क्या आपको पता है कि रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या आपको पता है मनुष्य की आंख की आईब्रो में कितने बाल होते हैं? तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की जानकारी पाने के लिए चैनल साथ बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, अब आपको बता देते हैं इन प्रश्नों के जवाब। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों का जवाब अगर आ रहा है तो फटाफट कमेंट्स करिए, देखते हैं किसमें कितना दम है, कौन सबसे पहले जवाब देता है, किसकी आईक्यू कितनी तेज है। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपके सामने ये प्रश्न हाजिर है, फटाफट अपना कमेंट्स में जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य की आंख की आईब्रो में कितने बाल होते हैं? मनुष्य की आंख की आईब्रो में लगभग 550 बाल होते हैं। दोस्तों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की दो बड़ी आईटी कंपनियां कौन सी हैं? फटाफट कमेंट्स में अपना जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हुआ इंफोसिस और विप्रो। अगला प्रश्न है आपके सामने, नैनीताल झील कहां पर है? तो दोस्तों, कमेंट्स में अपना फटाफट जवाब दीजिए। इसका आंसर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर फिर हाजिर है, प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों, फटाफट अपना कमेंट्स करिए, जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है महाभारत। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, फटाफट अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हुआ प्रशांत महासागर। दोस्तों, स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़िए, प्रश्न है, रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, फटाफट इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट्स में आप जरूर दीजिए, देखते हैं आप कितना तेज हैं, आपको कितना नॉलेज है। तो दोस्तों, इसका आंसर हुआ, रेलवे स्टेशन को हिंदी में लोहपत गायमनी विराम बिंदु कहा जाता है। जी हाँ, फिर से नाम इसका बताते हैं, लोहपत गायमनी विराम बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, प्रश्न है, मकड़ी का जाला किससे बना हुआ होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब आप खोज करके हमें बताइएगा। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।